ये जो कैथल में कार्रवाई हुई है, एक सिख नौजवान को बट्टों से मारा गया है, ये असल में बीजेपी की जो नफरत फैलाने का तरीका है उसका फलस्वरूप। इसलिए मैं लोगों को अपील करता हूँ कि पंजाब में किसी तरह की आपसी लड़ाई नहीं है। जो कंगना रनौत ने बयान दिया है कि यहाँ सिख खालिस्तानी है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सद्भावना है, यहाँ प्यार है आपस में, कभी पंजाब में हिंदू सिख की लड़ाई नहीं हुई है। इसलिए मैं सूबे के बाहर जो लोग हैं उनको भी अपील करता हूँ कि शांति बना के रखें, ऐसी कार्रवाई ना करें, और जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनके ऊपर कार्रवाई हो, मैं ऐसी मांग करता हूँ। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि बीजेपी की नफरत की राजनीति है जो, इसको जिस तरीके से देश में इस बात पीछे किया गया है, इसको पीछे धकेलें और प्यार आना चाहिए आगे, और आपस में प्यार रखना चाहिए। क्या लगता है कि कंगना के बयान के बाद ही ऐसा हमला हो रहा है? ये जो हमले हो रहे हैं, ये कंगना ने जो बयान दिया है कि यहाँ खालिस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये नफरत फैला रहे हैं लोग, इसको समझना चाहिए, आपस में प्यार रखना चाहिए। धन्यवाद। देश में जो एक हमला हुआ है तीर्थ यात्रियों की बस में, उसमें आतंकी कनेक्शन सामने आया पाकिस्तान का, और देश भर में विरोध होना भी शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि इनके साथ सभी नाते तोड़ देने चाहिए, यहाँ तक कि क्रिकेट मैच भी नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि मैं फिर कहता हूँ कि जो भी ऐसे हमले होते हैं उनका इंटेलिजेंस को देखना चाहिए, वो कौन लोग हैं जो हमले करते हैं, उनको पकड़कर मारना चाहिए। और सरकार आज बीजेपी के पास है, पहले भी बीजेपी के साथ पास थी, ऐसे हमले क्यों होते हैं उनको रोकना चाहिए, और जो भी ऐसा हमला करने वाला है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए भारत को? अरे पता तो चले ना, अगर उनका है तो उनको जवाब दो, जो भी करता है ये इंटेलिजेंस फेल्योर है। क्यों होते हैं ऐसे, इंटेलिजेंस को पहले से क्यों नहीं पता चलता वो कौन बंदे, उनकी शनाख्त करके उनको पकड़ कर क्यों नहीं अंदर दिया जाता। और मैं कहता हूँ कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई हो, जिसके जो भी जिम्मेवार है हमारे लोगों को मारने के लिए, उनको वैसा ही जवाब मिलना चाहिए।